हाजी कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त है वही रोज़ 16 से पहले 14 के बाद आता है। हाँ ये क्या था बस तुम्हारे बात पर इतनी धीमी आई मैडम मेरा ग्रुप नहीं तेरा दीवार। अरे 15 अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे आता है। मैं कौन सी तरह बात बोल रहा हूँ सारा आता है ऐसा क्यों कह रहा है ब्रो? मैंने कहा गलत ना ब्रो, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जैसा था अभी भी वैसा ही। और सबसे बड़ी बात मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी लाइफ चल रही ऐसी थी तो ऐसी मैं खुश हूँ, और इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं। ओ प्लीज बड़ा यार ऐसे 15 अगस्त ऐसे मैं सोच रहा था कल हॉलीडे है तो मैं तुम दोनों को एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों चलोगे? हाँ चलते हैं ना, हमने कहा खाना खाने को तो मिलेगा ना। कल मैंने पता तो मिले जाना कहा है एग्जैक्टली कहाँ पर? मैक्स म्यूजियम हाँ वही जो अपने हाईवे गेट के पास है, बहुत चर्चा हो रही है उसकी। मैं टाइम देना है 8 बजे। हाँ तो वो 9 बजे तक खुला रहता है, अभी टाइम है अपने पास। चलो फिर देख के बात की। हाँ चलो मेरे
मैंने हमेशा हिंदू और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं किया, मगर जिस एकता के लिए मैंने अपनी जान कुर्बान की, क्या वो एकता बेहयाम है? मैं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मैंने देश में चल रहे जात पात के भेदभाव को खत्म किया था, ये सोच के कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने जिसमें हर मजहब के लोग रहते हैं। मैंने भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बुक बनाई थी जिसमें मैंने सारे उसूल बताए थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक बुक ही बनकर रह गई है। क्या आज भी भारत में सब मिलजुल कर रहते हैं? मैं चाचा नेहरू, मुझे चाचा नेहरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। मेरा मानना है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन आज मेरे भारत देश में इन्हीं बच्चों का शोषण हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था हमने। मैं आप सबका बापू हूँ। सच में भारत को आजाद करने के लिए इतने सारे लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के अपने प्राणों की बलि दे दी। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे राष्ट्रपिता कहा जाता है? क्या कोई पिता अपने बच्चों को ऐसी दिशा में देख सकता है? अपने भारतवासियों को अंग्रेजी चालों से दूर रखने के लिए हमने बहुत कोशिश की, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद हम उन्हीं के चालों में घिरे हुए हैं। ऐसे भारत का तो सपना नहीं देखा था हमने। क्या तुम दोगे हमें दान भारत के लिए अपनी जान? कौन सा अंग्रेजों के मंडल खाए है? आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसके लिए सब कुछ गवाया है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने हर कदम से पहरा देखा है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने जीवन काले पानी में गुजारा है, अपना भारत जान से भी प्यारा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो बंटवारे ने जिनका घर तोड़ा था, जिन्होंने देश के लिए घर छोड़ा था। आजादी की कीमत उनसे पूछो जो हंसते हंसते फांसी पर झूले थे, जिन्होंने अपने पुत्र खोए थे, जो हंसते हंसते मौत की नींद सोए थे। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने सर कटा दिया पर सर झुकने नहीं दिया, जिनका बेटा कभी लौट कर घर नहीं आया। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने बेटे की मौत पर जय हिंद का नारा लगाया था। आजादी की कीमत इनसे पूछो जिन्होंने पहली दफा तिरंगा लहराया था। अरे हमने क्या किया इसके लिए, बस पुरखों से विरासत में पाई है। आजादी की कीमत उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई है। जान दे सकते हैं कितना गलत था मैं अपनी फ्रीडम फाइटर्स के लिए, कितनी गलत सोच थी मेरी। इन सब ने आजाद भारत का सपना देखा था, तो आओ हम सब मिलकर इनके सपने को जरूर पूरा करेंगे। आओ हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि इन लोग का सैक्रिफाइस वेस्ट ना जाए। जय